आपका क्वेश्चन है इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन फाइंड पी ओ पी थ्री पी माइनस थ्री पी माइनस वन वॉट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरो ऑफ पी एक्स इज जीरो अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो आपको देखो स्टार्टिंग क्या करनी है, बाद में हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे उसमें। तो सबसे पहले इसने दिया है यहां पर पी एक्स, यहां पर दिया है पी ओ, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट इज दिस, तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है जहां पर भी एक्स है वी विल पुट द वैल्यू एज जीरो। तो देखो आपका क्या आएगा, एक्स क्यूब दैट मीन जीरो क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीन जीरो स्क्वायर माइनस नाइन एक्स मीन जीरो माइनस नाइन। इसको सॉल्व करो तो देखो जीरो क्यूब इज जीरो प्लस जीरो स्क्वायर इज जीरो माइनस नाइन इंटू जीरो इज जीरो माइनस नाइन, देयरफॉर योर आंसर इज माइनस नाइन ओनली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो क्या दिया है इसने पी एंड ब्रैकेट में क्या दिया है थ्री, तो वी विल राइट एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब यहां पर जहां पर भी एक्स है पुट द वैल्यू एज थ्री, तो देखो क्या आ जाएगा आपका थ्री क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर माइनस नाइन इंटू थ्री माइनस नाइन। थ्री क्यूब कितना होता है, थ्री इंटू थ्री इज नाइन, नाइन इंटू थ्री इज ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री स्क्वायर इज नाइन माइनस नाइन इंटू थ्री इज ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन। नाउ यू कैन सी यहां पर देखो क्या है ट्वेंटी सेवन, यहां पर माइनस ट्वेंटी सेवन इट्स गॉन, नाइन माइनस नाइन इट्स गॉन, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया है पी इज माइनस थ्री, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जहां पर भी एक्स है पुट द वैल्यू एज माइनस थ्री, तो ये आपका क्या आ जाएगा माइनस थ्री होल क्यूब प्लस माइनस थ्री स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस थ्री एंड माइनस नाइन। आप सॉल्व करो, माइनस थ्री टाइम्स करने से क्या होगा मल्टीप्लाई में, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये माइनस हो गया आपका, थ्री क्यूब इज ट्वेंटी सेवन माइनस स्क्वायर इज प्लस, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, नाइन थ्री स्क्वायर इज नाइन, यहां पर देखो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, नाइन इंटू थ्री इज ट्वेंटी सेवन एंड माइनस नाइन, यर यू कैन सी माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन गॉन, प्लस नाइन माइनस नाइन गॉन, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो क्या दिया है आगे, पी इज माइनस वन, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब जहां पर भी एक्स है पुट द वैल्यू एज माइनस वन, तो देखो क्या आ रहा है आपका माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन एंड माइनस नाइन। इसको सॉल्व करो तो माइनस क्यूब इज माइनस, वन क्यूब इज वन, माइनस स्क्वायर इज प्लस वन, तो प्लस वन, यहां पर देखो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, नाइन इंटू वन इज नाइन और यहां पर है माइनस नाइन। नाउ यू कैन सी प्लस नाइन माइनस नाइन गॉन, प्लस वन माइनस वन गॉन, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब आपका क्वेश्चन है
वॉट डू यू कंक्लूड? तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है? देखो यहां पर तीन जगह पे तो जीरो आ गए, यहां पर जीरो नहीं है. दैट मीन्स दीस आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बट दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, जीरो क्या नहीं है आपका? जीरो. दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो is not the zero of the polynomial. But 3 minus 3 and minus 1, 3 comma minus 3 comma minus 1 are the zeros of the polynomial. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट उसने क्या कहा है, zeros of the polynomial हो गया. Is zero जीरो ऑफ द पी एक्स? तो यहां पर हमने पहले लिखा है नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है.